में आ गया कि अगर कोई एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर कोई एक ग्लैंड हो सकती है या फिर यूनिसेल्युलर ग्लैंड कोई हो सकती है ना, एक ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम, यूनिसेल्युलर ग्लैंड भी हम इसको बोल सकते हैं। वैसे ही कुछ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारी ग्लैंड्स वहाँ पर है ना, इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या बोला, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड, है ना। तो देखिए, अब जब ग्लैंड की बात आ जाती है, जब भी ग्लैंड की बात आती है तो हमको पता है कि ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन जनरली करती है ना। तो अब देखना ये है कि यहाँ पर ये जो ग्लैंड आपको देखने को मिल रही है, ये पोर कहाँ पे कर रही है ना, इसकी पोरिंग कहाँ पर हो रही है, मतलब जो भी वो चीज़ों को प्रोडक्शन कर रही है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी एबल टू ट्रांसफर इट्स मटेरियल, है ना, जो भी मटेरियल या सब्सटेंस इसने प्रोड्यूस करा है तो वो यहीं पर सिक्रीट आउट कर सकती है। क्या वो नीचे तो नहीं सिक्रीट आउट कर देगी, है ना, क्योंकि इसके नीचे की तरफ आपको और कुछ दूसरी लेयर्स देखने को मिलेगी। तो ये सिक्रीशन हो कहाँ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे सो दिस विल बी डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम हियर, जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड, स्वेट जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो वो स्पोर से ही बाहर आता है ना, वो आपके ब्लड में नहीं घुल जाता है। तो वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब हम इसको समझते हैं कि इसमें किस तरह से ये पोरिंग या फिर सिक्रीशन जो है वो कहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले जो पहला जो क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, दिस इज द एंडोक्राइन, है ना, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी बच्चों, तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, इनके पास में क्या नहीं है, इनके पास में डक्ट नहीं है। डक्ट का मतलब होता है कि इसके पास में कोई भी तरह का पाइप नहीं है, किसी भी तरह की वेसल उसके पास में नहीं है, और अगर वेसल ही नहीं है बच्चों तो ये सिक्रीशन कहाँ करेगी, है ना, ये सिक्रीशन वहीं करेगी। तो क्या हुआ, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसका कौन है, अभी हमने बात की थी हार्मोन, उससे प्रोडक्ट है ना, तो ये सिक्रीट आउट होता है सीधे, सीधे कहाँ पर, सीधे आपके ये आपके जो भी बाथिंग फ्लूइड जो है ना, ये या बोलना चाहिए कि जो हार्मोन वहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वो सीधे ही अपनी बॉडी से सिक्रीट आउट कर देगी बाहर की तरफ, है ना। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, है ना। तो वैसे ही दूसरी जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दैट इज एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब, एक्सो और एंडो को आप समझ लीजिए, यहाँ पर एंडो का मतलब होता है अंदर, है ना, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो बाहर कहाँ पर, अब देखिए, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये सिक्रेट करती है म्यूकस, आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है ना, सलाइवा बाहर आता है, ईयरवेक्स बाहर आता है, ऑयल बाहर आता है, मिल्क विल ऑल्सो कम आउट, है ना। फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो भी सीधे कहाँ पर आ जाते हैं, आपके पेट में, मतलब वहाँ पे जो भी कैविटी होती है, जो भी ओपन स्ट्रक्चर जो वहाँ पे होता है उसी में वो बाहर आता है। इनके पास में जो बोलना चाहिए कि बाहर कैसे आ पाता है, सो विद द हेल्प ऑफ डक्ट, है ना, यहाँ पर डक्ट है, डक्ट का मतलब यहाँ पर स्पेशल टाइप का उसके पास में पाइप है और उसकी मदद से वो उस वेस्ट, जो भी वेस्ट तो नहीं होना चाहिए, सारा वेस्ट नहीं होगा, कुछ उसमें काम की चीज़ें भी होंगी, तो वो सारा का सारा जो है वो अपनी बॉडी से बाहर की तरफ पहुंचा देता है। अब देखिए कि कंपाउंड एपिथेलियल, ये हमको समझ में आ गया, आप कंपाउंड एपिथेलियल की बात, एपिथेलियम की बात करते हैं कि वो कैसा है ना। तो यहाँ पर देखिए मल्टी लेयर सेल्स हमको देखने को मिलता है, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब क्या कि बहुत सारे होंगे, है ना, कंपाउंड, कंपाउंड तो वही होता है, किसी भी वो ट्रेंचिंग कंपाउंड या फिर आपने कई सारी बिल्डिंगों के नाम सुने होंगे कि अरे वो वाला कंपाउंड है ना, बढ़ जाती है कंपाउंड, इस तरह से कुछ नाम रखे जाते हैं, तो वैसे ही ये नाम भी कुछ वैसे ही है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब बहुत सारी लेयर हमको दिखाई दे रही थी इसलिए मल्टी लेयर सेल वाला क्या कहलाया है, यहाँ पर हमको कंपाउंड एपिथेलियम ये कहलाया है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर हमको देखने को मिलेगी या फिर मल्टी लेयर हम इसको बोल सकते हैं। इसमें ये भी बात है कि इनके पास में लिमिट होती है कि एक सफिशिएंट मात्रा में ही दे विल बी एबल टू सिक्रीट द थिंग और एब्जॉर्ब वो कर पाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर कॉमन जो बात है वो यही है कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ये भी कर रहे हैं, है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर, है ना, लेकिन इनका रोल जो है वो क्या है, बस लिमिटेड है, मतलब ये सीमित मात्रा में ही अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। अब देखिए इनका फंक्शन जो है, मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है, किसके किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोटेक्शन देता है किसी भी तरह का जो भी
स्ट्रेस हार्मोन अगर आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, किसी भी तरह का केमिकल वहाँ पे अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस अगर किसी आपके सेल के ऊपर या किसी उसके आपके किसी ऑर्गन के अगर ऊपर आ रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, है ना। तो ये प्रोटेक्शन हमको यहाँ पे हो गया, क्योंकि बहुत सारी लेयर है ना बच्चों, तो आपको उसके अंदर के जो सेल्स होंगे, जो टिश्यूज जो होंगे, उनको ये प्रोटेक्शन वहाँ पे दे देगा, एक मैकेनिकल सपोर्ट इसके कारण मिल जाएगा। इसने क्या करा है कि इसने उस सरफेस को कवर कर लिया है ना। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, और उसको कैसे रखते हैं, और द मॉइस्चर सरफेस, बकल कैविटी वहाँ पर जहाँ पर है वहाँ पर भी ये हमको देखने को मिल रहा है, ये फेरिंग्स में देखने को मिल रहा है, ये इनर लाइनिंग जो है आपकी सलाइवरी डक्ट की उसमें भी देखने को मिल रहे हैं, और आपके पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट में भी तो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जहाँ पर ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे, एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे थे, या कुछ भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, वहाँ पर ये प्रेजेंट है, मॉइस्चर मेंटेन करा है, और हार्मोन और केमिकल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके कंपाउंड एपिथेलियल हुआ है। कंपाउंड एपिथेलियल में आगे अगर हम और बात करें, तो इसमें जितने भी सेल्स होते हैं ये सारे के सारे साथ में होते हैं, इसीलिए इनके पास में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो थोड़ी कम होती है ना, बाकियों के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो थोड़ी कम है। इसमें जितने भी टिश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में एक स्पेशलाइज जंक्शन हमको देखने को मिला। अब जंक्शन का मतलब क्या है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि इंदौर जंक्शन, भोपाल जंक्शन, रतलाम जंक्शन, है ना, इस तरह से हमको कई सारे रेलवे स्टेशन पे इस तरह से नाम हमको पढ़ने को मिलते हैं। और ये जंक्शन का मतलब क्या पे होता है, क्या होता है कि जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल जाए, है ना। ये कैसे मिलेगी, जैसे मान लीजिए अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रोटीन जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को बाइंड अप करके रखते हैं, ये दोनों जो है, ये नंबर वन सेल और ये नंबर टू, तो इस तरह यहाँ पे कुछ फाइबर्स जो होंगे वो एक दूसरे को कनेक्ट यहाँ पे करके रखते हैं। अभी आगे हमको समझना है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर केवल आपको समझने के लिए मैंने बताया है, ये यहाँ पे अप्लाई करने वाला नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जंक्शन, स्पेशलाइज जंक्शन है, दोनों तरफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट ये वहाँ पर देगा, किसी भी इंडिविजुअल सेल को ये सपोर्ट करेगा वो अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए। अब देखिए जो भी यहाँ पर टाइप ऑफ जंक्शन की हमने जो बात कर ली, उसी जंक्शन को यहाँ पे क्लासिफाई आगे किया हुआ है। तो कैसे क्लासिफाई किया हुआ है कि भैया कैसा जंक्शन है, तो पहला आया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब बिल्कुल गैप नहीं होगी, बिल्कुल वो पूरी कंप्लीटली दे विल बी पैक्ड ओवर देयर, जैसा अभी मैंने बात करी थी ना। और कैसी पैकिंग है, पैकिंग मतलब ऐसी कि भैया ऐसा पैक होना चाहिए कि लीक तो नहीं होगा, मटका खरीदते हो लीक तो नहीं होगा, आपने कुछ और डिस्पेंसर वगैरह कुछ खरीदा है तो आप पूछते हो उससे लीक तो नहीं होगा, टूटेगा तो नहीं, पानी तो लीकेज नहीं होगा, तो वैसे ही ये जो है ये कम्प्लीटली ये टाइट जंक्शन वहाँ पे लगाता है, बिल्कुल स्टिक बॉन्ड इनका वहाँ पर होता है, और इसीलिए ये क्या है, ये वहाँ पर चीज़ों को लीक होने से बचाता है ना। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ये प्रेजेंट होंगे आप फीमेल के वजाइना में, है ना, ये प्रेजेंट होंगे यूरेटर्स में, है ना। तो ये टाइट जंक्शन की बात हो गई, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली पैकिंग हमको देखने को मिलेगी। ये और कहाँ पे देखने को मिल सकती है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ ये ब्लड कैपिलरीज में भी तो हो सकता है, ये आर्टरीज में भी तो हो सकता है, ये वेन्स में भी तो हो सकता है, तो ये टाइट जंक्शन हमको उन टिश्यूज में बिल्कुल या डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दूसरा है अडेयरिंग जंक्शन। अडेयरिंग मतलब साथ में मिले, है ना, बस अडेयर मतलब एक दूसरे से चिपक के लगे हैं, है ना। अडेयर अडेयर मतलब जैसे एड्सॉर्प्शन जो होता है ना बच्चों, एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन, और तीसरा भी जो हम लोग फिर देखेंगे उसके बारे में, वो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन मतलब कि उसकी सतह पर बस वो सिंपली दे विल बी अटैच्ड ओवर देयर। तो वैसे ही यहाँ पर अडेयरिंग जंक्शन की बात आ जाती है। तो अडेयरिंग जंक्शन में क्या है कि ये जो है यहाँ पर सीमेंटिंग, जैसे सीमेंट सीमेंट की अगर या फिर ब्रिक्स की हम बात करें, तो ब्रिक्स जो है वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होती है, और उसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर होता है सीमेंट। यहाँ पे बीच में हम क्या लगा देते हैं, बीच में हम लगा देते हैं सीमेंट, उससे क्या होता है वो एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। तो यहाँ पर जो ये अडेयरिंग जंक्शन हमको देखने को मिला है, ये एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है, अटैच्ड है, पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर दिया उसने। तो ये अडेयरिंग
आसपास सेलों को साथ में बनाए रखने के लिए दिस काइंड ऑफ जंक्शन विल बी देयर। ये सेकंड टाइप का जंक्शन हुआ। और तीसरा जो जंक्शन है दैट इज अ गैप जंक्शन। अब देखिए गैप जंक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो फैसिलिटेट करता है ताकि सेल्स के बीच में कम्युनिकेट हो सके, उनका साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे एडजॉइन रहे, वहाँ पे मॉलिक्यूल का या फिर बोले मॉलिक्यूल या फिर किन चीज़ों का ट्रांसफर करना है, आयंस का ट्रांसफर करना है ना। तो ये गैप जंक्शन, जैसे आपका नर्व टिश्यू है ना, वहाँ पर भी तो गैप जंक्शन होता है। वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर आपके नर्व एंड में, या फिर आपको याद आया होगा कि जब भी हमने नर्व सेल को समझा है तो नर्व एंड की वहाँ पे बात आती ही आती है ना, नर्व एंड की बात वहाँ पर आती ही है। और ये नर्व एंड जो है ना बच्चों, दिस नर्व एंड इज द साइट वेयर द सिग्नल्स विल गेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे आयंस ट्रांसफर होते हैं आपके नर्व एंड पे, जहाँ पर दूसरा न्यूरॉन वहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ पर गैप जंक्शन होगा। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि कौन सा जंक्शन कहाँ पर देखने को मिला, या जब भी सेल आपस में मिलते हैं तो किस तरह से एक दूसरे से अटैच होता है। आगे कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में करीबन 80% जो सेल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है ना। और ये कनेक्टिव टिश्यू की एक और सबसे बड़ी बात कि कनेक्टिव टिश्यू में रिकवरी जो है वो थोड़ी धीरे होती है ना, या कुछ सेल्स में तो ना के बराबर भी होती है। कैसे और क्यों, उसको हम यहाँ पे जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसी के कारण यहाँ पे पूरी बॉडी में एक सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा है ना। वहाँ पर जो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाली बात है या लिंक करने वाली बात है, दैट विल बी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ वॉट, वो होती है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की। ये सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, और आपके ऑर्गन से ऑर्गन को कनेक्ट करने वाला, आपके ऑर्गन से ऑर्गन को कनेक्ट करने वाला कौन है, क्योंकि आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में चीजों को पहुंचाना है, और उन ऑर्गन्स ने किसी एक ऑर्गन को मैसेज कुछ पहुंचाना है। सो दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बच्चों, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू की बात हुई, ये केवल इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी तो आगे इसमें और भी कहानी इसकी बाकी है। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखें, तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू हुआ। अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम अगर किसी भी तरह के बॉडी में फ्लूइड की बात करें, या फिर अगर हम उसके कनेक्टिविटी के रोल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी कैसे कर पाता होगा, वो वहां पर फ्लो करता होगा, वो वहां पर मूव करता होगा। तो मूव करेगा या फ्लो करेगा तो कैसा होगा, वो विस्कस होगा। कुछ की विस्कोसिटी कम होती है और कुछ की विस्कोसिटी ज्यादा। ये विस्कोसिटी दोनों की ज्यादा या कम कैसे हो जाती है, उसको आप समझेंगे कि अगर लूज कनेक्टिव की बात हम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा क्या है, मैट्रिक्स ज्यादा है। ये मैट्रिक्स वो नहीं है जहां पर आप बाल कटाने जाते हैं, ये मैट्रिक्स आपके इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है, और लेस फाइबर है ना, लेस फाइबर्स है वहां पर, जो पतले पतले तार जैसे स्ट्रक्चर जो वहां पर होते हैं वो यहाँ पर कम है, और मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा है ना। अब इसका और भी क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है कि इसमें सबसे पहले आ गए एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर का मतलब क्या है, तो एरियोलर का मतलब हो जाता है यहाँ पर कैविटी में प्रेजेंट टिश्यू। अब कैविटी कहाँ है, कैविटी आपके जो ऑर्गन के बीच में जो गैप है बच्चों, उसमें एरियोलर टिश्यू है ना। किसी भी ऑर्गन को शॉक से बचाना है तो वहां पर इन्हीं लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा भाई वहां पर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एडिपोज टिश्यू। तो इन्होंने आके स्पेस को कुशन जैसा वहां पर काम किया है, इन दोनों ने मिलके। एडिपोज ने क्या करा है, यहाँ पे फैट का स्टोरेज कराया है ना, इसने क्या करा, फैट को स्टोर किया। आप जब भी खाना खा रहे हैं, और वो सारा का खाना, सारा सारा खाना जो आपने कुछ भी खाया है, वो अगर आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, देन द रिमेनिंग फूड, आप मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं लेकिन आप काम तो 2 रोटी का ही करते हैं, तो 2 रोटी बाकी की जो बची हुई है, अगर आप खेल खेलते हैं सो दैट विल बी गुड फॉर द हेल्थ, लेकिन अगर आप कम काम करते हैं
और ज़्यादा खाना खाते हैं, सो योर बॉडी विल डू वॉट, वो बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करके और आपकी बॉडी में स्टोर कर देता है। और वो सेविंग अकाउंट कहाँ पे, कौन से टिश्यू में खुलेगा, एडिपोज टिश्यू में, किस फॉर्म में, यहाँ पर जमा पूंजी जो है वो रहेगी, दैट विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ फैट, है ना। तो ये फैट टिश्यू और एरियोला, एरियोलर मतलब क्या, एरियोलर की मतलब यहाँ पर कैविटी में ये प्रेजेंट होगा, है ना, कैविटी में रहने वाले टिश्यू। यहाँ पर अभी और भी इनके बारे में हम लोगों को समझना है बच्चों कि एरियोलर कैसा। वैसे ही इसका दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा एक इसके जस्ट अपोजिट, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, टिशू, है ना, डेंस कनेक्टिव टिशू। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर इसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे लेस फाइबर थे तो यहाँ पे फाइबर ज़्यादा हो गए, मैट्रिक्स ज़्यादा था तो यहाँ पर कम हो गया, मतलब ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ये डेंस रेगुलर टिश्यू होगा, डेंस मतलब जो सबसे गहराई में प्रेजेंट है ना, जो सबसे गहराई में प्रेजेंट है। अब इनके शेप के बेसिस पे इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो होगा रेगुलर और दूसरे होगा इररेगुलर। इररेगुलर मतलब वो एक वेवी फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होता है, तो वो डेंस इररेगुलर टिश्यू हो गए, और डेंस रेगुलर जो कि प्रॉपर वहां पर और इक्वल डिस्टेंस में वहां पर अगर प्रेजेंट हो, सो दैट विल बी डेंस रेगुलर टिश्यू। इसके बाद में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होंगे बच्चों। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये उन टिश्यूज की बात हो रही है जो वाकई में आपकी बॉडी में चीजों को कनेक्ट करते हैं या फिर चीजों को पहुंचाते हैं, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपकी बोन से बोन की कनेक्टिविटी होने वाला जो टिश्यू है वो, आपके बोन से मसल की कनेक्टिविटी होने वाला, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिव टिश्यू आपने अभी तक जो जाना है, दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में किसकी बात आती है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर ब्लड की बात आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे ब्लड होगा, और दूसरा जो है वो है यहाँ पर लिम्फ। तो ये दो यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू को इन तीन बड़ी अलग अलग कैटेगरीज में डाला, और उसमें हमने क्या समझा कि लूज कनेक्टिव के भी दो पार्ट्स हैं, एक तो एरियोलर जो कि कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज जो आपकी बॉडी में फैट का स्टोरेज करते हैं और आपके ऑर्गन्स को शॉक से बचाते हैं। आपकी गाड़ी में शॉकअप है, लेकिन यहाँ पर आपकी दो पैरों वाली गाड़ी में क्या है, तो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू है जो कि समय समय पर चीज़ों को वहाँ पर स्टोर करके, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना, आपके आपकी बॉडी को शॉक प्रूफ बनाती है। अब आप अपनी अपने दोस्तों को जो कि थोड़े से ज़्यादा फैटी है, आप उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा शॉकअप्स है ना, ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी में ज़्यादा एडिपोज टिश्यू हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। बैक टू द टॉपिक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात यहाँ पे हमने जो की कि एक रेगुलर और दूसरा इररेगुलर, और तीसरा हमने स्पेशलाइज में बात की है ब्लड की और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात जो हम कर रहे थे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में है क्या, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला जो एरियोलर टिश्यू की बात हमने यहाँ पे कर रहे थे, दैट एरियोलर टिश्यू जो मैंने बताया कि कैविटी में प्रेजेंट होगा। तो कैविटी में क्या है, देखिए ये आपकी बॉडी में कैविटी है, उस कैविटी में द थिंग्स आर गोइंग टू बी मूव ओवर देयर, वहाँ पर चीज़ें आपस में घूमती रहती है। क्या है चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहला मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, ये फेगोसाइटोसिस शो करता है बच्चों, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये क्या करेगा, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द बैक्टीरिया ओवर देयर एंड टू किल इट, तो ये मैक्रोफेज हो गया, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज फिब्रोब्लास्ट, तो फिब्रोब्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर चीज़ों को अपनी जगह पर व्यवस्थित रखने के लिए कैलोजन फाइबर विल बी देयर, तो जो अपनी जगह पे सारी चीज़ों को यहाँ पे बना के रखता है। और यहाँ पर ये जो आपको मास्ट सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस विल बी, देखो यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, उसमें आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या है, दिस इज योर बेसोफिल, ये क्या है, ये है आपका बेसोफिल। तो ये हमको कहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे, ये सारे यहीं पर मूव करते हुए दिखाई देंगे। आपको फैट टिश्यू भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, ये फैट टिश्यूज है आपके। तो वैसे ही इस कैविटी के अंदर देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड सम विल बी एबल टू मूव ओवर देयर, इसीलिए तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना।
तो ये इनकी बात हुई बच्चों। इसके बाद में अगर एरियोलर की हम और ज़्यादा सब उसकी बात करें तो ये एक एक तरह का फ्रेमवर्क सपोर्ट है ना, किसके लिए? आपके एपिथेलियम के लिए। और इसके अंदर क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपके फिब्रोब्लास्ट। और वो क्या करता है, वो सिक्रीट यहाँ पे फाइबर्स का सिक्रीशन यहाँ पे करवाएगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर आगे कुछ दूसरे सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी। यहाँ पर आपके मैक्रोफेजेस और मास्टर सेल भी प्रेजेंट होंगे। दिस यू विल हैव टू रिमेम्बर बच्चों। क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे? मास्ट सेल होगा, मैक्रोफेज होगा, यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट आपके होंगे जो कि वहाँ पर चीज़ों के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपके एरियोलर टिश्यू की बात हुई। अगर हम एडिपोज मतलब आपकी बॉडी के कुशन की बात करें, फैट की बात करें, है ना, जहाँ पे फैट स्टोर हो रहा है, तो कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ पर कैसे दिखाई देता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दीज आर द एडिपोज टिश्यू। ये क्या है, ये है आपका एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू में यू पीपल आर एबल टू रिमेम्बर दिस थिंग कि आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये फैट स्टोरेज एरिया है ना, यहाँ ये क्या है, ये फैट स्टोरेज एरिया है जहाँ पर सारा फैट जो है वो स्टोर हो जाता है। अब इनकी इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच मार्क्स वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। जब भी यहाँ पर फैट का कंटेंट बढ़ेगा, और जब भी फैट का कंटेंट बढ़ता है ना बच्चों, तो वहाँ पर क्या होगा, वो सेल की बाउंड्री जो है वो क्या होती है, स्ट्रेच होती है। मतलब यहाँ पे जो ये बाउंड्री जो है, ये जो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ेगा, तो उसकी उसकी जो हम बोलना चाहिए कि उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो यहाँ पर स्ट्रेचेबल होती है। उसकी स्ट्रेच जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, ये ब्लू कलर से जो यहाँ पर आपको डिनोट की हुई है इस डायग्राम में, ये किसकी मेम्ब्रेन है, ये है आपके एडिपोसाइट की। दिस इज एडिपोसाइट, है ना। तो ये इस तरह के फैट सेल्स की बात हम लोगों ने की है। दीज फैट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर फैट इन द बॉडी। ये आपने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, बस याद रखना ये है कि यहाँ पर वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, व्हाट विल बी द लेबलिंग ऑफ देम, है ना। यहाँ पर इनका न्यूक्लियस जो है वो भी दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए कैसा है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मतलब उसके सेंटर में नहीं है। सेंटर में क्यों नहीं है? सेंटर में इसलिए नहीं है भैया, क्योंकि अगर सेंटर में न्यूक्लियस होता तो फैट को स्टोर कहाँ करते। इसीलिए साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में उनका मेन जो फंक्शन है वो यही है कि चीज़ों को सेव करें। जैसे आपने कार्गो शिप के बारे में सुना है ना, तो कार्गो शिप क्या करता है, कार्गो शिप के अंदर स्पेस होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले सके और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। वैसे ही ये फैट टिश्यू जो है आपके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर फैट ओवर हियर। इसीलिए साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर फैट के स्टोरेज के लिए, और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर साइड में हमको देखने को मिल रहा है ना। सो दिस इज योर एडिपोज टिश्यू। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या है। ये एक तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, है ना। क्या है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ये आपकी स्किन के नीचे की तरफ है। इसकी लोकेशन यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी स्किन के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है। क्यों वहाँ पर प्रेजेंट है, ताकि आपकी बॉडी में ये फैट का स्टोर तो करें और साथ में आपकी बॉडी में हीट का जो बोलना चाहिए एक मेंटेनेंस जो है, एक लेवल जो है वो भी वहाँ पर बना के रखें। तो ये आपके एडिपोज टिश्यू की बात हुई। अब देखिए कुछ आपको कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी जो है वो फैट को बर्न करती है और उसी से हीट का प्रोडक्शन भी करती है। लेकिन ये कब होता है, ये फैट का यूटिलाइजेशन कब होता है, जब आप फास्ट करते हैं तब इन्हीं एडिपोज टिश्यू से इस फैट का इस्तेमाल होता है। और आप जितना वर्कआउट करोगे, कम खाना खाओगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट योर बॉडी विल यूटिलाइज दीज टिश्यूज ओवर देयर, या फिर बोलें टिश्यू को तो नहीं, उसमें से फैट जरूर इस्तेमाल हो जाता है ना। बचा हुआ जितना भी न्यूट्रिएंट जो कि हम लोग स्टोर जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में टिश्यू के अंदर इट इज़ गोइंग टू सेव ओवर देयर। वहाँ पर सेविंग अकाउंट एक हमारे फैट का खुल जाता है, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये एडिपोज टिश्यू की बात हुई।
अब देखिए उसके बाद में बाकी के जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, अभी लूज कनेक्टिव टिश्यू दो समझ ली, कौन कौन सा, एरियोलर और दूसरा एडिपोज। अब हम लोग लूज के बाद में डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो यहाँ पर देखे थे, एक तो डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इररेगुलर टिश्यू। तो इसमें देखिए डेंस रेगुलर टिश्यू आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये रेगुलर है बिल्कुल, है ना, ये एक जैसे अरेंज्ड वहां पर हमको देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए वेव जो है वो आपको कम देखने को मिल रही है, नहीं तो क्या होता, यहाँ पे वेव जो है वो काफी ज्यादा होती। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो विजिबल ओवर हियर, है ना। तो ये डेंस टिश्यू हुआ है। अब डेंस टिश्यू क्या काम करते हैं, तो ये जो है ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू है, ये कोलेजन फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसकी रोज जो वहां पर हमको देखने को मिलती है, और वो सारी रोज जो है वो एक दूसरे के क्या है, वहां पर हमने जो स्ट्रक्चर जो देखा है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है आपके, दीज स्ट्रक्चर्स आर फाइबर्स, ये है आपके फाइबर्स। तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं चीजों को अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए। अब ये क्या है, डेंस रेगुलर टिश्यू क्यों प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन अपनी जगह पे बने रहे इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ना। उसके बाद में दूसरी बात कि यहाँ पर टेंडन्स है ना, जो कि आपके स्केलेटल मसल से अटैच करती है, स्केलेटल मसल को आपके अटैच करती है बोन से, लिगामेंट है ना, जो कि अटैच हो रहे हैं एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करने में वो रिस्पॉन्सिबल वहाँ पर होता है। तो ये लिगामेंट और यहाँ पे आपके स्केलेटल मसल्स की बात हुई, क्या टेंडन्स क्या है, ये वो है जो आपकी अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके रिस्पॉन्सिबल, कि मसल और बोन का अटैचमेंट कराने के लिए। लिगामेंट्स आपके क्या करवाते हैं, लिगामेंट्स करवाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके बोन से बोन की कनेक्टिविटी के लिए। अब उसके बाद में इररेगुलर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर फाइबर जो है वो वैसे नहीं होंगे, तो कैसे यहाँ पर ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें फिब्रोब्लास्ट हमको देखने को मिलेगा और कई सारे फाइबर्स हैं जो कि क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं है, वो पूरी तरह से अलग अलग दिशा में जाते हैं। और दूसरी बात, जो ये जो टिश्यू है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, और ये टिश्यू क्या करेंगे, ये टिश्यू भी आपके स्किन को स्पेशलाइज बनाते हैं और वहाँ पे आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके बाद में ये आ गए आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहला आपको याद आया क्या था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो स्केलेटल में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सबसे पहले आ गया कार्टिलेज। अभी कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज में बच्चों देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यू है जिनमें रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ये कार्टिलेज जो है ये उन्हीं में से एक है। इसमें रिकवरी जो है वो बहुत कम हो पाती है, या फिर ना के बराबर भी हम बोल सकते हैं। क्यों नहीं हो सकती इसमें कार्टिलेज में, क्योंकि प्रेजेंट कहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, कंप्रेसिबल है ना, आप जब उसको दबाते हैं तो वो इट विल बी एबल टू कंप्रेस, इट विल बी एबल टू यू कैन से कि वो वहाँ पर दब जाता है, और अगेन इट विल टेक द प्लेस, अगेन इट विल बी एबल टू टेक द शेप विच इट वॉज, है ना, जो भी शेप उसका था वो वापस उसी शेप में आ जाता है। तो ये किस तरह से दिखाई देते हैं आपके कान में, आपके नाक के आगे की तरफ, दीज कार्टिलेज आर प्रेजेंट, और कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा, या फिर कहें कि जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉन्ड्रिन, है ना। तो यहाँ पे कॉन्ड्रिन जो है ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ये जो फाइबर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यू पिच विच यू पीपल आर एबल टू सी ओवर हियर, दीज आर द कॉन्ड्रिन। तो कार्टिलेज में क्या है, कॉन्ड्रिन है ना। अब ये जो सेल्स हमको यहाँ पर देख रहे हैं, दी सेल्स ओवर हियर, तो कॉन्ड्रीन जो है ये कनेक्ट आपके ब्लड कैपिलरी से हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो आपका कॉन्ड्रोब्लास्ट वाला जो पार्ट है, इट विल नॉट बी कनेक्टेड विद द ब्लड, है ना, ये ब्लड से कनेक्टिविटी इसकी नहीं होती है, और इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि इसकी रिकवरी जो है वो कम होगी, है ना। अगर ये एक बार डैमेज हो जाते हैं तो इनकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय जो है वो यहाँ पे लग जाता है। इंटरसेल्यूलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज जो कि कैसा होता है, सॉलिड होगा, प्लीएबल, प्लीएबल मतलब कंप्रेसिबल वो होगा, है ना, दब जाएगा तो फिर से अपने अपने पुराने शेप में वो आ जाता है, और इसमें क्या है कि वो कंप्रेसिबल होगा, है ना। तो ये कार्टिलेज की बात हुई। दूसरी बात कि
कि ये कहाँ पर ये जो टिश्यूज़ हैं, ये जो इसमें जो सेल्स होते हैं उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है आपके, कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोसाइट है ना, कॉन्ड्रोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस इनके बीच में देखने को मिलेगी और ये मैट्रिक्स का सिक्रीशन यहाँ पर लगातार करते रहेंगे। सो ये बात हुई आपकी किसकी, ये बात हुई आपकी कार्टिलेज की। एक और चीज़ इसमें कि ये जितने भी जो कार्टिलेज जो हैं आपके वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं एम्ब्रियो में, जब जितने भी होंगे वो बाद में रिप्लेस किससे हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन से। इसीलिए जब आप बर्थ लेते हैं आपकी बॉडी में ज़्यादा नंबर ऑफ बोन्स वहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट होते हैं या आपकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है तो वो फिर से 206 हड्डियाँ विल रिमेन इन द बॉडी। सो दिस इज द थिंग। फिर क्या हुआ उसके बाद में, एडल्ट जब हो गए तो हड्डियों का नंबर कम हो गया, हड्डियाँ गई कहाँ, है ना, तो हड्डियाँ गई कहाँ, इसका जवाब आपको आज मिल गया है कि जब पैदा हुए थे तो ज़्यादा हड्डियाँ थी बॉडी में, लेकिन उसके बाद में हड्डियों का नंबर कम हो गया। ऐसा क्यों, हड्डियों की जगह या फिर बोलें कि आपके एम्ब्रियो के बाद में या फिर एडल्ट हो जाने के बाद में आपके जो कार्टिलेज थे वो किस में बदल गए हैं, कार्टिलेजेस जो हैं वो आपके बदल चुके हैं किसके अंदर, ये बदल चुके हैं आपकी बोन्स में, है ना। तो यही इसका कारण है बच्चों कि आपके बोन का नंबर रिड्यूस क्यों हुआ, इस कारण। उसके बाद में देखिए दूसरा जो है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो कार्टिलेज आपकी सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया था कि आपकी नाक की टिप पे ये प्रेजेंट है। दूसरा आपके कानों में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके बोन्स के बीच में, है ना, आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, आपके लिम्स, आपके हाथ, सभी एडल्ट्स में हमको कार्टिलेज इन पार्ट्स में देखने को मिल जाती है ना। तो कार्टिलेज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद में बोन्स की बात आती है। अब ये बोन्स क्या है, बोन्स बहुत काम की चीज़ है बच्चों। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि ये बोन्स जो है वो केवल फ्रेमवर्क के काम आती है ना। ये क्या है आपका, फ्रेमवर्क के काम आती है, मतलब अगर आपकी बॉडी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आपको ले जाना है तो उसमें मूवमेंट के लिए, उसकी बेंडिंग के लिए यहाँ पे बोन्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा, जब आपने आपके इम्यून सिस्टम को पढ़ा, तो यहाँ पर ये भी समझ में आया कि ये कुछ ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये कनेक्टिव सेल्स को भी इसने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है और उसके प्रोडक्शन होने के कारण, मतलब इसमें क्या है, इसके अंदर बोन मैरो है। तो बच्चों हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें आरबीसी सेल्स जो है या फिर बोलें कि आपके स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे दूसरे सेल्स को बर्थ देने के लिए। कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे बोन्स जो आपको देखने को मिलेगी ये कैसी है, काफ़ी ज़्यादा सख्त, काफ़ी ज़्यादा हार्ड, है ना। नॉन क्या है, ये पूरी तरह से नॉन प्लीएबल। नॉन प्लीएबल मतलब कि ये ना तो कंप्रेस हो सकती है ना ये फ्लेक्सिबल हो सकती है ना। और ये क्या है, इसमें ये ऐसी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, इसके अंदर है कैल्शियम सॉल्ट। जैसे अंडे का जो खोल है ना, उसमें भी कैल्शियम ज़्यादा है यहाँ पर। साथ में इसके हैं यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके इन दोनों के ही कारण आपकी बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ उस बोन को वहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में बच्चों कि ये जो आपके मेन टिश्यू है ये आपकी बॉडी को, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपकी बॉडी को एक फ्रेम वहाँ पर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के बेंडिंग के लिए और उसको मूव कराने के लिए। आपके लिम्स, आपके बोन्स, आपके हाथ, आपके पैर, आपका वजन सभी निर्भर करता है ऑन दीज बोन्स ओनली। और इसी के कारण आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, आपके लिम्स जो है वो काफ़ी आसानी से काम कर पाती है। काम तो आसानी से आपकी टंग भी करती है जिसमें बोन नहीं है, लेकिन वो भी बोन्स के बीच में आती है तो उसके बाद में आप 2 मिनट नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये बोन की बात हमने यहाँ पे की है। उसके बाद में यहाँ पे जो स्केलेटल मसल जो है, मतलब बोन से बोन को अटैच करने वाला यहाँ पे लिगामेंट हमको देखने को मिलेगा, है ना। इस बोन के अंदर बोन मैरो की बात हमने की है बच्चों। ये बोन मैरो सारी बोन्स में प्रेजेंट होगी और ये कई सारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था।
उसके बाद में ब्लड, अभी इसके बारे में तो शायद मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ब्लड बॉडी फ्लूइड के बारे में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो ब्लड जो है, इट कंटेन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन इट, RBC, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल्स, और आपका लिक्विड कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ये सारे के सारे कार्पसल्स या फिर ब्लड के कंपोनेंट जो है, आपको इनका फंक्शन पता है कि RBC जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ योर ब्लड, है ना। और वाइट ब्लड जो है, दीज आर द सोल्जर्स जो कि क्या करेंगे, इसमें भी बहुत सारे हमने देखे, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट, ये हमने इसके नाम हमने ब्लड सर्कुलेटरी या बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में हमने पढ़े हैं। तो अगेन दीज आर डिवाइडेड इंटू सम कैटेगरीज, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि वहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना, ये भी हमने इसी में देखा है। तो ये ल्यूकोसाइट की बात हो गई। तो ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी में प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, और ये सारे के सारे ब्लड के कंपोनेंट्स है बच्चों। ये हमारी बॉडी में कई सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। अगर ब्लड हमारी बॉडी में होता ही नहीं, सो यू पीपल विल नॉट बी एबल टू लीव ऑल्सो ना, अगर ऐसा ऐसा हो जाता है कि जिनकी बॉडी में ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं, या फिर अगर हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो उसका उसका नंबर, या फिर किसी भी एक तरह के सेल इसमें से अगर उनका नंबर कम हो जाए, उसका एक अलग ही एक साइड इफेक्ट जो है आपकी बॉडी पे देखने को मिलता है, और ज़रूरत पड़ जाती है कि आप किसी और डोनर से उस ब्लड को ले। लेकिन आपको याद रखना होगा, द ब्लड ग्रुप शुड बी सेम और एग्जैक्ट, है ना। उसके बाद में बच्चों, तो ये ब्लड की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद में आगे चलें और मसल टिश्यू की बात करते हैं, है ना, मसल टिश्यू की बात करते हैं। तो मसल टिश्यू में हमको समझना है, मसल्स तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हैं, आप उन मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें भी देखते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे मसल्स कैसे हैं, तो ये जो मसल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लंबे आपको देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है ये, है ना। दूसरी बात, ये इनका शेप जो है वो है सिलेंड्रिकल, फाइबर्स जो है वो वहाँ पर इस तरह से अरेंज होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो है वो यहाँ पर पैरेलली अरेंज होते हैं, और उनके पैरेलल अरेंज होने के कारण ही कई सारे मसल्स जो है वो आपके साथ में, आप उसको हाथ लगा के देखिए, यू विल बी एबल टू फील दैट, है ना, वो फाइबर्स जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होंगे, इफ यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग। और ये जो है ये एक पैरेलल पैटर्न में वहाँ पर अरेंज होते हैं, है ना। ये तो सबसे पहली बात हुई इसकी, आपके मसल्स की। दूसरी बात कि इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर फिब्रिल्स जो है यहाँ पे प्रोटीन के जो प्रेजेंट होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके उसके मूवमेंट के लिए, है ना, उसको स्ट्रेच होने के लिए, उसको रिलैक्स होने के लिए, उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या आपके कुछ कई सारे वहाँ पे फिब्रिल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मायोफिब्रिल्स, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, है ना, जो इलास्टिसिटी जो उसमें आती है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ मायोफिब्रिल्स। ये फाइब्रिल्स जो है, यही अभी हमने बात की है कि इनके अरेंजमेंट के कारण ही हमारी बॉडी में ठीक तरह से मूवमेंट, या बॉडी में तो नहीं, मसल्स में हमको ये मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपके किसी भी तरह के रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, है ना। तो ये आपके मसल की जब हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला आपका स्केलेटल मसल यहाँ पे आता है। स्केलेटल मसल मतलब क्या है? स्केलेटल मसल मतलब जिनका एक पैटर्न ही अलग है। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रिएशंस देखने को मिलेगा, मतलब देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक डार्क लाइन, फिर एक लाइट लाइन, फिर आपको एक डार्क, इस तरह से आपको कुछ शेड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से जो ये डार्क फिंच और ये लाइट फिंच जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन्हीं को स्ट्रिएशन बोला जाता है। और जब ये स्ट्रिएशन हमको इनमें देखने को मिला, इसीलिए इनका नाम स्ट्रिएटेड मसल भी पड़ा, है ना। ये क्या है? स्ट्रिएटेड मसल भी पड़ा इसका नाम। स्ट्रिएटेड मसल जो है ये कहाँ पर है? ये बोन्स के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसीलिए अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो ये कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह से, है ना। ये माइक्रोस्कोप से स्टेन करने के बाद में ये पिक्चर जो है वो लिया हुआ है, तो आपके ये जो मसल्स हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं,
दीज आर द ये वाला नहीं, दीज है ना, दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ दीज मसल्स। अब न्यूक्लियस की जरूरत क्यों है जब मसल्स है, तो न्यूक्लियस की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनका डिवीजन कराने के लिए, उसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके लिए न्यूक्लियस की जरूरत होती ही है। लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे इररेगुलर देखने को मिलता है ना, और एक के ऊपर हमको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है ना। ये कैसे है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये मसल्स किसकी इच्छा से चलते हैं, ये आपकी इच्छा से। जैसे हम अगर किसी को बोले कि इधर आना तो वो उठ के आएगा है ना, आपकी इच्छा से आ रहा है, लेकिन वो भी तो चाह रहा है कि वो उठ के चले। अगर वो उठ के चला तो हम ये बोल सकते हैं कि स्केलेटल मसल जो है ना, स्केलेटल मसल टिश्यू जो है वो कैसे मसल्स हैं, वो वॉलेंट्री है ना, वो कैसे हैं, वो वॉलेंट्री है, मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट यहाँ पे शो करेंगे। ये स्ट्रेच होते तो हैं लेकिन इनके स्ट्रिएशंस के कारण, और ये कई बार हमको डैमेज भी होते हुए देखने को मिलते हैं। तो स्केलेटल मसल जो है वो क्लोजली अटैच होते हैं आपके स्केलेटल बोन्स के, है ना, और ये ज़्यादातर इनका जो या फिर बोले कि जो जिम में बॉडी बिल्डिंग या फिर वर्कआउट जो ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, और वो बात हमेशा करते रहते हैं, अरे भाई बाइसेप्स बनाना है ना, ट्राइसेप्स बनाना है ना। तो ये बाइसेप्स में सारे के सारे स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स हमको देखने को मिलेंगे, फाइबर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, उनका बंडल वहाँ पर प्रेजेंट है, और वो एक दूसरे के पैरेलली वहाँ पर अरेंज है। यही तो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, है ना। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इनको कनेक्टिविटी किससे मिल रही है, आपके ब्लड से, आपके कनेक्टिव टिश्यू से। तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसके आसपास अगर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू घूमता रहता है तो न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो जाता है। जो ये मसल्स वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ब्लड जो है वो ले जाकर इट विल बी एबल टू गिव इट टू बूम, वो दे जाता है किसको, आपके किडनी को, फिल्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से ये स्केलेटल मसल जो है वो आपका काम आपको मूवमेंट कराने के लिए, जो सबसे पहले हमने देखे स्ट्रिएटेड है ना, वो काम यहाँ पे कर देता है। दूसरे स्मूद आ गए, स्मूद आ गए मतलब यहाँ पे स्ट्रिएशंस नहीं होंगे। तो ये कैसे दिखाई देंगे, ये बिल्कुल इस तरह से सिंपल से दिखाई देंगे। इसको नॉन स्ट्रिएटेड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का स्ट्रिएशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर देखिए, इनके पास में न्यूक्लियस तो है लेकिन ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, इनके पास में एक मसल के पास में कोई एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड हमको देखने को मिलेंगे। टाइटली पैक होने के साथ साथ अब हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो स्मूदनेस हमको देखने को मिल रही है उसके ऊपर, स्मूदनेस देखने के कारण हम बोल सकते हैं कि अरे तो स्मूद मसल्स है ना, स्मूद है मतलब दोनों तरफ से कैसे हैं, ये फ्यूसीफॉर्म है ना, और इसीलिए कोई यहाँ पर स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिला। तो ये फिर प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, तो ये आपके ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे जहाँ से लीकेज नहीं होने देना है ना। तो ये सेल जंक्शन मतलब आपस में सेल जंक्शन की जो भी हमने बात करी थी है ना, टाइटली पैक्ड वाला, तो ये टाइटली पैक्ड वाले हैं जो कि पूरी तरह से एक दूसरे से अटैच्ड होंगे और चीज़ों को लीक होने नहीं देंगे। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, आपके स्टमक में ये प्रेजेंट है, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर में हम बोल सकते, सॉरी यूरेटर में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यूरेटर से जब यूरिन पास हो रही है तो आप यूरेटर का मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ मसल, इट विल बी इनवॉलेंट्री। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री अगर हुआ है बच्चों, मतलब आपकी इच्छा से चलेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो स्मूथ मसल्स है, ये आपकी बॉडी या फिर आपका जो ब्रेन है वही इसको खुद ब खुद कंट्रोल करता है, यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट। ये पूरी तरह से स्मूद है। दूसरा, चीज़ों को सही जगह पे पहुंचाने के लिए कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में होगा, है ना, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोलें कि कई बार हमको ये देखने को मिल सकता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो उसके कारण क्या होगा कि इसका जंक्शन जो है उसके ऊपर या उसकी क्षमता के ऊपर देर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं उनके बीच की गैप अगर दूर हुई तो लीकेज वहाँ पे हो सकता है, और अगर एक बार वो हुआ तब देर विल बी अ इंटरनल इंजरी, है ना।
तो ये आपके स्मूथ मसल्स की बात हुई। चौथा आपके हार्ट से रिलेट कर रहा है ना, कार्डियक मसल्स है बच्चों, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रांचेस वाले, है ना, ब्रांचेस वाले। देखिए यहाँ पर, ये देखिए इनके ऊपर स्ट्रिएटेड तो है, स्ट्रिएशंस तो देखने को मिला, लेकिन इनके न्यूक्लियस भी देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही दूरी पर हमको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा आपको यहाँ पर ये फाइबर्स हमको देखने को मिले हैं, उन फाइबर्स के कारण हमको स्ट्रिएशन इस पर देखने को मिला, और ये ब्रांच्ड है। ये कैसे हैं, ये ब्रांच्ड है। अगर इसमें इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है बच्चों कि अगर इसमें कोई एक पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो कभी रिकवर नहीं हो सकते हैं, है ना। इसीलिए जिन लोगों को पहली बार हार्ट अटैक आता है उनके उसमें अगर इंजरी ज़्यादा हो जाती है उस हार्ट को, या इंजरी तो नहीं बोल सकते हैं, उसमें अगर डैमेज अगर ज़्यादा हुआ है तो दूसरी बार हार्ट अटैक के समय काम तमाम नहीं होगा, है ना। तो वही वही समस्या हमको इन मसल्स में देखने को मिल रही है। दीज मसल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, दीज मसल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ द, है ना। आपका हार्ट आपकी इच्छा से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री होंगे बच्चों। ये कैसे मसल्स होंगे, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे, आपके हार्ट में ये प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात, ये जो सेल जंक्शन जो है, इसमें जो प्लाज्मा जो वहाँ पर फ्यूज होता है वो हमको देखने को मिलेगा। कार्डियक मसल्स जो है वो एक दूसरे से पूरी तरह से स्टिक वहाँ पर रहेंगे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो ब्रांच के फॉर्म में हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उनसे सबसे बड़ी बात कि इनके बीच में देयर विल बी अ कम्युनिकेशन जंक्शन। कम्युनिकेशन जंक्शन याद आया, जंक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जहाँ पर चीज़ों का एक्सचेंज हो, आयन्स न्यूट्रिएंट, है ना। तो वैसे यहाँ पर आयन्स का जो इंट्रैक्शन है या चेंज जो है, सॉरी, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ये कुछ फ्यूजन हमको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से इन्वॉलेंट्री तो है ही, है ना। ये रिसीव करते हैं सिग्नल और उसके अकॉर्डिंग ये स्टिमुलेट करते हैं या फिर अपना फंक्शन जो है दे विल बी एबल टू शो। फिर और क्या बात हो सकती है आपके उन टिश्यूज की, उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये भी कि आपका जो हार्ट है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन करेक्ट, है ना। उसके अंदर क्या है, वहां पर आपको देखने को मिलता है पेसमेकर, वहां पर पेसमेकर और पेस सेटर भी हमको देखने को मिलता है। यही तो रिस्पॉन्सिबल है जो उन मसल्स को मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कराने के लिए इट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये आपका कार्डियक मसल की बात हुई बच्चों, है ना। उसके बाद में न्यूरल टिश्यू की बात आती है, तो न्यूरल टिश्यू मतलब आपके नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, जैसे आप अभी देख रहे हैं अपनी आँख की मदद से देख रहे हैं, लेकिन आप देखकर समझ पा रहे हैं, मतलब वहाँ पर आपके न्यूरल टिश्यू या नर्व टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी चीज़ें हम करते हैं दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ रिस्पॉन्स, है ना। वो रिस्पॉन्सिबल, आपकी बॉडी जो है वो क्या है, रिस्पॉन्स करती है किसी भी स्टीमुलस के अगेंस्ट। स्टीमुलस मतलब चेंज, जो भी आपके आसपास हो रहा है उसमें जो चेंज होगा दैट विल बी, वो यहाँ पर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सिग्नल जो है वो यहाँ पर सेंड करते हैं, तो ये कैसे दिखाई देता है, तो ये इस तरह से होता है। ये जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, जब आप हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब ये डेवलप हुए थे बच्चों, और उसके बाद में हो ये जाता है कि आपके ये मसल्स दे आर गोइंग टू लूज देयर प्रॉपर्टी टू डिवाइड, है ना। ये एक बार पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद में दे आर गोइंग टू लूज देयर प्रॉपर्टी, और उसके बाद में हो ये जाता है कि आपके जो नर्व टिश्यू है दीज विल नॉट बी एबल टू डिवाइड, और हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। अब जब डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये इनके बीच में जो चेन हमको देखने को मिलती है, अगर एक भी इसमें से डैमेज हुआ तो आपको पता है वो जो भी पेशेंट होगा उसकी बॉडी में सिग्नल का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है या फिर ट्रांसफर जो हो रहे होंगे वो वहाँ पर रुक जाएगा, कि देयर विल बी अ लॉस इन द चेन ऑफ दीज नर्व सेल्स ओवर देयर, है ना। ये भी आपके सॉल्ट आयन्स के बेसिस पे दे विल बी एबल टू सेंड द मैसेज। आपने छोटी क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ा है दैट दीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज विच विल बी देयर इन योर सराउंडिंग, उसको सेंस करने के लिए ये आपके नर्व सेल्स हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें बदल रही हैं उसको आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं इन्हीं की मदद से, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को फील कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज
ऑर्गन्स ओनली, और आपकी बॉडी के अंदर जो जो कोऑर्डिनेशन जो वहाँ पर होता है सारे सेल्स के बीच में, ग्लैंड्स के बीच में, मसल्स के बीच में, दैट विल ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ दीज नर्व टिश्यू ओवर देयर. आपका ये अलग ही सिस्टम यहाँ पर न्यूरॉन सेल के मिलने के कारण होता है और बनता है, दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम बच्चों. और ये नर्वस सिस्टम जो है ये एक्साइटेबल सेल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बस स्टीमुलस के कारण आपके रिसेप्टर्स वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स विल बी एबल टू गिव मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ इम्पल्स, और आप दीज न्यूरॉन सेल्स विल बी एबल टू ट्रांसफर, विल बी एबल टू सेंड द मैसेज, राइट. सो दीज आर द न्यूरल टिश्यूज बच्चों. उसके बाद में अगर न्यूरोलॉजिक सेल की हम न्यूरोलॉजिकल सेल की अगर बात करेंगे, तो ये जो सेल है ये कभी रेस्ट में नहीं होते हैं, दे विल ऑलवेज बी देयर इन द इन सम सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. कैसे प्रोटेक्शन, मतलब देखिए हम अगर उस सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बहुत पतला सा पार्ट होता है जो कि इस तरह से हमको दिखाई देता है, इस तरह से ये आपका सेल होता है. मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आई एम ड्राइंग दिस. तो ये एंड पार्ट जो है बच्चों, है ना, इस तरह से ये एंड पार्ट होता है. अब यहाँ पर देर विल बी अ कवरिंग जिसको हम लोगों ने माइलिन शीथ बोला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला ये पार्ट हो जाता है, इसीलिए ये नर्व सेल में क्या होता है, देर विल बी अ कवरिंग, अ आइसोलेटेड कवरिंग विल बी देयर, जिसके कारण एनवायरमेंट से किसी भी तरह का हार्म इन नर्व इम्पल्स को ना पहुँचे, इस बात का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है. पूरी बॉडी में सिग्नल्स क्योंकि इन्हीं की मदद से पहुँच पा रहे हैं, सो दीज नर्व टिश्यूज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. उसके बाद में जब भी हम ये बात करते हैं कि आप भले फ्री क्यों ना बैठे हों, आप जब भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आपके सेंस ऑर्गन जो है वहाँ पर उस समय पे एक्टिवेट होते हैं, सबको स्टिमुलेट कराने वाले योर न्यूरॉन सेल्स विल बी देयर. इसमें जो मैसेज जो मूव होते हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दे विल बी एबल टू कन्वर्ट इनटू केमिकल फॉर्म ऑल्सो, और उसको कन्वर्ट करते करते दे दीज सिग्नल्स विल बी एबल टू ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी. ये जहाँ पर नर्व सेल नहीं होता है ऑन दैट साइड, दे विल हैव टू कन्वर्ट दिस केमिकल मैसेज इन दिस इलेक्ट्रिकल मैसेज इनटू केमिकल फॉर्म. मतलब इलेक्ट्रिकल को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही दूसरे सेल में वो पहुंचेगा अगेन दे विल बी एबल टू कन्वर्ट द सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म. तो ये आपका न्यूरल टिश्यू यहाँ पे होता है.